नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में नवम्बर में खुल सकता है पहली से पांचवी कक्षा तक के स्कूल। कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए झारखंड में पहली से पांचवीं तक के स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार कोरोना की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए नवंबर महीने में पहली से पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को खोल सकती है। झारखंड में छठी से आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को पिछले महीने ही खोला जा चुका है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जानकारी देते हुए कहा, कोरोना संक्रमण की रफ्तार यदि दीपावली और छठ पूजा तक नियंत्रण में रहा तो पांचवीं तक की कक्षा भी खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी संवेदनशील है। प्राथमिक से पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है, पर अब सरकार उस पर भी विचार कर रही है। झारखंड के विश्वविद्यालय में खाली पदों पर जल्द होगी नियुक्ति, राज्यपाल का निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस झारखंड के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर लंबे समय से नियुक्ति नहीं होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया। उन्होंने सोमवार को राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। बैठक में निर्देश दिया गया कि विश्वविद्यालय में कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक जैसे पद यदि रिक्त हों तो उन्हें शीघ्र भरा जाए। उन्होंने वित्त विभाग से कहा कि शिक्षा हित में विश्वविद्यालयों की आवश्यकता को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की कोशिश करें। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य खिलवाड़ ना हो, अब कक्षाएं भी ऑफलाइन शुरू हो गई है, हमें विद्यार्थियों के शिक्षण पर ध्यान की जरूरत है। झारखंड में अब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट, जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पुलिस रिपोर्ट तैयार कर रही है। चुनाव चिन्ह की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मतदाता सूची का प्रकाशन भी हो चुका है। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि छठ पूजा के बाद चुनाव पर कोई फैसला हो सकता है। इस सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयोग के रांची स्थित कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में चुनाव तैयारी की समीक्षा हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें पंचायती राज विभाग के सचिव राहुल शर्मा, आईजी अभियान एवी होमकर ने सभी जिलों के डीसी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक और विधि व्यवस्था की तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती का भी आकलन किया गया। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बिजनेस इंक्यूबेटर एकजुट की शुरुआत। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मंगलवार को बिजनेस इंक्यूबेटर एकजुट की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के अलावा सीसीएल के मुख्य प्रबंधक पीएम प्रसाद, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी और भारतीय औद्योगिक संस्थान वाराणसी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर सिद्धनाथ उपाध्याय मौजूद थे। इस मौके पर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का भी विधिवत उद्घाटन किया। प्रोफेसर सिद्धनाथ उपाध्याय ने जेयूटी पुस्तकालय को 400 पुस्तकें और 180 ई बुक दान में दी। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने एकजुट को सभी प्रकार के सहयोग देने की बात कही, साथ ही स्टार्टअप कंपनी को 5 लाख सीट फंड देने की बात कही। उन्होंने कहा, हमें इस क्षेत्र में आदिवासी बच्चों को प्राथमिकता देनी होगी। पीएम प्रसाद ने कहा कि अपनी स्थापना के 4 वर्ष के अंदर ही इस तरह की नवोन्मेषी गतिविधि शुरू करना एक महान उपलब्धि है। झारखंड में सरकार खोल रही नौकरियों का पिटारा, सीएम हेमंत का दावा, स्वरोजगार के लिए 25 लाख तक ऋण उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय के नए सभागार में कल्याण गुरुकुल खुट्टी और जमशेदपुर के 230 छात्रों को नियुक्ति पत्र सौंपा। सभी छात्रों के निर्माण और इलेक्ट्रीशियन के कोर्स में 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में करीब 1.5 वर्ष तक लोग घर में बंद रहने को मजबूर हुए। ऐसे में सबसे मुश्किल गरीबों को भी घर से बाहर निकलने पर भी उनके समक्ष कोरोना का संकट था। वहीं घर में रहने की स्थिति में भूखे मरने की स्थिति थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी मनरेगा में और भी नियुक्तियां होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया लटकी थी। 6-7 साल से जेपीएससी परीक्षा नहीं हुई थी। कुछ तत्व परीक्षा को बाधित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे तत्वों से निपटते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। आने वाले समय में 700 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा स्वरोजगार के माध्यम से भी राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। युवाओं को 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तमिलनाडु से झारखंड की 11 युवतियों की हुई घर वापसी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पश्चिमी सिंहभूम की 11 युवतियां तमिलनाडु के त्रिपुरा से वापस झारखंड लौट आई है। सभी त्रिपुरा के KPR3 कंपनी में काम करने गई थी, लेकिन वहां भाषा की समस्या होने पर उन्हें काम करने में परेशानी होने लगी। इसके बाद युवतियों ने वापस आने के लिए श्रम विभाग के अंतर्गत राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष से मदद मांगी। मामले की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग और नियंत्रण कक्ष को युवतियों को वापस लाने का निर्देश दिया। नियंत्रण कक्ष ने KPR कंपनी के मैनेजर से बात कर युवतियों को वापस आने की व्यवस्था कराई। 3 अक्टूबर को युवतियां त्रिपुरा से झारखंड के लिए चली, सभी 5 अक्टूबर को वापस झारखंड पहुंची। झारखंड कांग्रेसी में बड़े बदलाव की तैयारी, 24 जिलों में 12 में बदले जा सकते हैं जिला अध्यक्ष। झारखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। ये बदलाव संगठन के अंदर एग्जिट और इंटर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, यानी नए प्रदेश अध्यक्ष के सक्रिय होते ही पुरानी टीम में शामिल नेताओं की छुट्टी होने वाली है। बहुत जल्द कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के बदले जाने की अधिसूचना जारी होगी। जिला स्तर पर बदलने वाले कांग्रेसी चेहरों में ज्यादातर लंबे समय से पद पर बने रहे जिला अध्यक्ष हैं, जबकि कुछ जिला अध्यक्षों की कुर्सी संगठन के अंदर उसके सुस्त राजनीति की वजह से जाने वाली है। जिन जिला अध्यक्षों के बदले जाने की चर्चा है उनमें रांची, रामगढ़, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, देवघर, दुमका और लोहरदगा शामिल है। झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कमान संभालने के बाद जिला स्तर पर दौरा तेज कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के इस दौरा को संगठन विस्तार, संगठन की मजबूती और संगठन में बदलाव के लिहाज से देखा जा रहा है। झारखंड के बिजली सब स्टेशन में डकैती का पुलिस ने किया खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो जिले के ललपनिया के तिलिया स्थित निर्माणाधीन विद्युत सब स्टेशन में बीते 22 सितंबर की रात हुई डकैती का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया। धनबाद के महोदा में छापेमारी कर 5 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा, जिनकी निशानदेही और कबूलनामा के आधार पर पुलिस ने मामले से जुड़े कई अहम बिंदुओं को भी निपटारा किया है। बालेटी क्षेत्र के ब्याडा स्थित एक फैक्ट्री से चोरी हुई माल की बरामदगी भी की गई, जिसमें ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर निकाले गए कॉपर क्वाइल और बिजली के तार शामिल है। फैक्ट्री संचालक लालू सिंह माल का खरीदार बताया गया, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त पिकअप वैन भी बरामद कर लिया गया है। मंगलवार की सुबह ललपनिया पुलिस ने गिरफ्तार कर सभी को तेनुघाट जेल भेज दिया है। बिहार झारखंड के छात्रों के पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, निकली बम्पर वैकेंसी। बिहार झारखंड के युवाओं के पास सरकारी नौकरी हासिल करने का मौका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अलग अलग विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। ऐसे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे योग्य उम्मीदवारों के लिए सबसे अच्छा मौका है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है। इस भर्ती अभियान से विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर की कुल 357 रिक्तियां भरी जाएगी। इसमें अर्थशास्त्र, एजुकेशन, हिंदी एंड मॉडर्न, इंडियन लैंग्वेज, होम साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैथ, कानून, पॉलिटिकल साइंस समेत कुल 47 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए और नेट, SLET या PhD भी पूरी होनी चाहिए। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में आज से कोवास मशीन से शुरू होगी कोरोना जांच, आधे घंटे में मिल जाएगी RT-PCR की रिपोर्ट। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोवास मशीन के इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी सह सर्जन डॉक्टर DK सिन्हा ने बताया, अगस्त माह में कोवास मशीन आ चुकी थी, जिसके बाद बिना देरी किए इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर दिया गया था। अब मशीन का विधिवत उद्घाटन शुभारंभ 6 अक्टूबर को होगा। इस मशीन से कोरोना के नए वेरिएंट और कोरोना सैंपल की जांच के साथ सभी प्रकार के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जांच की जा सकेगी। पहले जांच के लिए सैंपल को अन्य शहरों में भेजना पड़ता था। इस मशीन से जांच शुरू होने के बाद कोरोना के नए म्यूटेंट की जांच के लिए सैंपल को भुवनेश्वर या देश के अन्य शहरों में के लैब में भेजे जाने की बाध्यता खत्म होगी। सैंपल की जाँच रिपोर्ट के लिए महीने भर का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। झारखंड में 75 घंटे में ही रांची के डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क का हुआ कायाकल्प, 6 साल बाद लौटी रौनक। 6 साल बाद रांची स्थित डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क राजधानी वासियों के लिए खुल गया। इसके खुलते ही पार्क की रौनक एक बार फिर बढ़ने लगी। राजभवन के पास बने इस पार्क के खुलते ही बच्चों समेत बड़ों में खूब मस्ती करते दिखा। CM हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि राजधानी वासियों के मनोरंजन के लिए यह पार्क एक बार फिर से खोला गया है। रांची नगर निगम ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पार्क को 75 घंटे के अंदर कायाकल्प करने का निर्णय लिया था।
3 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक इस पार्क का जीर्णोद्धार कर लिया गया। नगर निगम की टीम ने 75 घंटे में ही पार्क का स्वरूप बदल दिया। 6 साल बाद पार्क के खुलते ही बच्चों ने खूब मस्ती की। खबर है झारखंड के सिमडेगा से। चुनावी शंखनाद के पहले 254 अभ्यर्थियों के चुनाव लड़ने पर लगा रोक, जिला पंचायती राज विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। राज्य में कभी भी चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है, इसे लेकर सिमडेगा में भी तैयारियां तेज कर दी है। इस क्रम में जिला पंचायत राज विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गई है, जो इस बार पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिनमें कुल 254 अभ्यर्थी शामिल है। यह अभ्यर्थी अगले 3 सालों तक राज्य में होने वाले किसी भी चुनाव को लड़ने से वंचित रहेंगे, जिसमें मुखिया पद के 43 अभ्यर्थी, ग्राम पंचायत सदस्य के 135 और पंचायत समिति सदस्य के कुल 76 अभ्यर्थी शामिल है। यह वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वित्तीय पंचायत चुनाव में अपने पैसों के आय व्यय का ब्यौरा बार बार नोटिस के बावजूद जमा नहीं किया था। आप सबको बता दूं कि चुनाव बीतने के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने व्यय का ब्यौरा संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना होता है, ताकि चुनाव आयोग के पास उसकी पूरी जानकारी रह सके। एक छोटी सी भी भूल के कारण अभ्यर्थी चुनाव में अपनी किस्मत नहीं आजमा पाएंगे। झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अच्छी खबर, अब 350 लोग टेस्ट दे सकेंगे। ड्राइविंग टेस्ट के लिए जिला परिवहन कार्यालय की ओर से लोगों को कुछ राहत दी गई है। अब स्लॉट बुक की संख्या में कुछ आंकड़ों में तब्दील की गई है, यानी कल तक 230 लोग ही ड्राइविंग टेस्ट में शामिल हो सकते थे, लेकिन अब मंगलवार से हर दिन 350 लोग टेस्ट दे सकेंगे। कोरोना महामारी के कारण ड्राइविंग टेस्ट देने वालों की संख्या में अच्छी खासी कटौती की गई थी। भीड़ अधिक न हो इसलिए इनकी संख्या सीमित कर दी गई थी, जिसके कारण अगले 1 महीने तक स्लॉट बुक फुल हो गया था। इससे लोगों को परेशानी होती थी, अपने नंबर के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। अब जो है इस बदलाव से कुछ हद तक राहत मिलेगी। महामारी के कारण पिछले 2 महीने से ड्राइविंग टेस्ट बंद था, जिसके कारण लंबित आवेदनों की संख्या काफी बढ़ गई थी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।